morning to all of you. आज जो है बेटा आपका सिक्स और सेवन्थ क्लास में स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आज जो है बेटा हम किस विषय पर चर्चा करेंगे। तो यानी कि आज का टॉपिक हमारा है आपकी हिंदी आरोही व्याकरण में, कौन सी में? हिंदी आरोही व्याकरण में लेसन सिक्स। और लेसन सिक्स कौन सा है बेटा आपका? यानी कि कारण।
किसके अंतर्गत आता है? ये संबोधन कारक के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? संबोधन कारक के अंतर्गत आता है। ये सभी जो है कारक के भेद और ये उदाहरण सभी बच्चे अपनी कॉपी पर उतारेंगे। तो सभी बेटा ये अपनी कॉपी पर नोट कीजिएगा, फिर मैं जो है इनकी डेफिनेशंस आपको बताती हूँ एक एक की। ये विभक्ति चिन्ह है आपका, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को आपादान से अलगाव के अर्थ में, संबंध का के की रारे री रे आदि, और सेवन जो है अधिकरण में पर संबोधन हे ओ अरे आदि। अब सबसे पहले देखेंगे आप कर्ता कारक की डेफिनेशन, यानी कि इसकी परिभाषा। कर्ता कर आपके मन में विचार होगा कि बेटा कर्ता कारक किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से कार्य करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम ने पत्र लिखा, जो है आपका पॉइंट कर्म कारक। तो कर्म कारक किसे कहते हैं? क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, अनीता ने चादर को झाड़ दी है, तो कर्म यानी कि को। नेक्स्ट थर्ड की डेफिनेशन, संगी या स्वर नाम के जिस साधन द्वारा कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे सीता कलम से लिखती है, जैसे लकड़हारा कुल्हाड़ी के द्वारा पेड़ काट रहा है। तो ये किसके उदाहरण हो गए? करण कारक के उदाहरण हो गए हैं। नेक्स्ट संप्रदान कारक, जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे भिखारी को भिक्षा दो, इसके संप्रदान का चिन्ह क्या है आपका? को के लिए, जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। सिक्स आपादान कारक, फिफ्थ जो है आपादान कारक, आपादान कारक किसे कहते हैं? बादलों से बूंदे गिरती हैं, यानी कि बादल से जो है बूंदे अलग हो गई हैं और पेड़ से जो है बेटा पत्ता अलग हो गया।
बोर्ड पर देखेंगे का के की, तो जो है संबंध कारक का के की चिन्ह होते हैं। इसकी डेफिनेशन परिभाषा, जब संज्ञा या स्वरनाम का अन्य संज्ञा या स्वरनाम के साथ, देखिएगा जब संज्ञा या स्वरनाम का अन्य संज्ञा या स्वरनाम के साथ संबंध दर्शाया जाता हो तब उसे जो है संबंध कारक कहते हैं। जैसे राम का भाई मोहन है, रमेश के पिताजी आए हैं। समझ आया? आपकी बुक में भी जो है आरोही हिंदी व्याकरण में पेज नंबर 26 और पेज नंबर जो है बेटा 27 पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अधिकरण में पर संज्ञा स्वरनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार अथवा स्थान का ज्ञान हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? अधिकरण कारक कहते हैं। नेक्स्ट संबोधन कारक क्या है बेटा? संबोधन कारक संज्ञा या स्वरनाम के जिस रूप से किसी को संबोधित करने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे भगवान मेरी रक्षा करो। संबोधन कारक में बेटा विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। भगवान, हे भगवान, तो उसके बाद विस्मय आदि बोधक पूर्ण विराम, उसके नीचे बिंदु। कुछ बच्चे जो है पूर्ण विराम के नीचे भी बिंदु को लगा दिया करते हैं, तो ऐसा ना करें। ठीक है? हे भगवान यानी कि भगवान के बाद विस्मय आदि बोधक चिन्ह मेरी रक्षा करो। नेक्स्ट ये देखिएगा, अभी एक मिनट बाकी बोर्ड से कई बार कहते थे वाह क्या छक्का मारा। ठीक है?
करेंगे अपनी फिर पृथ्वी पर अपना कार्य संपूर्ण करें, पूरा करें, जिससे कि जो है आपको कोई परेशानी ना हो, दिक्कत का सामना न करना पड़े। अपना साथ साथ वर्क करते जाइएगा। तो आज का टॉपिक था हमारा सिक्स क्लास में कारक। इसकी डिटेल्स मैंने बताई, परिभाषाएं बताई हैं, ठीक है, उनके निर्धारित विभक्ति चिन्ह बताए हैं, क्या हैं आपके निर्धारित चिन्ह, ठीक है। तो इसमें जो है कल हम आपको करवाएंगे एक्सरसाइज, और ये टॉपिक है आपका बुक में जो है 26 और 7 पेज पर ये आपका टॉपिक है। इसमें से भी आप देखकर कर सकते हैं सिक्स क्लास 26 और 7 पेज पर, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक, कारक सभी बच्चे करेंगे, ठीक है।